महेश भट्ट फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम है और अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, मगर इस बार महेश भट्ट और मुकेश भट्ट का नाम एक ऐसे मामले में घसीटा गया है जिसमें अब बात मानहानि तक पहुंच गई है। दरअसल महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल और भांजे साहिल ने मॉडल लवीना लोध के खिलाफ बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें उन्होंने लवीना से माफी के साथ ही 90 लाख रुपए के हर्जाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों लवीना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर पति सुमित सबरवाल को महेश भट्ट का भांजा बताया था। इसके साथ ही लवीना ने आरोप लगाया था कि वे बॉलीवुड में ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करते हैं। लवीना ने यह दावा भी किया था कि महेश भट्ट ने उनके घर में घुसकर उन्हें वहां से निकालने की भी कोशिश की। कुमकुम और साहिल ने कोर्ट से अपील की है कि वो आदेश जारी कर लवीना को उनके खिलाफ दिए गए अपमानजनक स्टेटमेंट के लिए बिना शर्त लिखित में माफी मांगने और हर्जाने के तौर पर 90 लाख रुपए देने का आदेश करें। साथ ही एक्ट्रेस को आपत्तिजनक वीडियो हटाने का भी आदेश दिया जाए। हालांकि महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स के लीगल काउंसलर नायक एंड कंपनी की ओर से लवीना के आरोपों का खंडन किया गया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि लवीना द्वारा जारी किए गए वीडियो के संदर्भ में हम हमारे क्लाइंट महेश भट्ट की ओर से आरोपों का खंडन करते हैं। इस तरह के आरोप न केवल झूठे और अपमानजनक हैं, बल्कि कानून में गंभीर परिणाम वाले हैं। ये बिल्कुल आधारहीन आरोप हैं। पिछले दिनों सुमित सबरवाल ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि वे महेश भट्ट के रिश्तेदार नहीं हैं। सुमित के वकील ने इस मामले में महेश भट्ट और उनके भाई मुकेश भट्ट का नाम घसीटे जाने पर खेद जताया था। उन्होंने कहा था कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मुवक्किल विशेष फिल्म्स में कर्मचारी रहा है, वो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट का रिश्तेदार नहीं है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।